बस ठीक आ, बस हूँ पता चलना चल रहा है पर हूँ ठीक आ। गाइस ये देखिए बहुत सख्त किस्म की लड़ाई हो रही है जियो न्यूज के साथ, आप लेवल रहे मेरे साथ और ये यहाँ पे जूतियां जूतियों की बारिश कर रहे थे अभी। मुकाबला बहुत सख्त हो रहा है गाइस, ईमान ने बड़ी खींच के हार के मारी, अब इसको देखिए लड़ते हैं बहुत कैसी रही है। और ये बेचारा मासूम बन गया है, बैठ चुका है खाने के बाद अभी हमारे घर आए हैं मेहमान और मैं देख रही हूँ ये बंदी मुझे जाननी चाहिए लगी। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है पुत्र? जो भी पिज्जा आप लोगों को नजर आ रहा है ना ये बागे से, तो उनके ये दो ये भी चाच लोग स्पेशल लेके आए। हमारा यकीन ही नहीं आ रहा, लाइबा की बर्थडे हमने बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं थी करनी, लेकिन हमें इन्होंने आके सरप्राइज दिया। हम तो हैरान परेशान, हमने तो गंदे मंदे कपड़े पहने हुए थे, ये देखो तो मतलब हमारे घर कैसे फिर रहे थे जब ये अचानक से आए, और हम लोग हैरान परेशान हो गए कि हैं और साथ में इतना कुछ लेके आए, केक लेके आए, पिज्जा लेके आए। वाओ, ये बंदी को जब सबने कहा कि तुम थोड़ा सा रेडी शेडी हो जाओ, इसने कपड़े कहा चलो यही ठीक है और थोड़ा सा मुंह को संवार लेती हूँ चिपड़ों से भरा हुआ इसका मुंह पे टिंट लगा रही है अपने पूरे मुंह पे, तो अब उसकी खुशी की इंतहा नहीं है। सुबह से मुंह पे 12 बजे हुए थे, अब तकरीबन मुझे लगता है और हम तो सोने की तैयारी कर रहे थे जब अचानक से इतनी खुश हो गई बेचारी को, नहीं बल्कि मम्मा करने लगी केक को पीस, सॉरी कटिंग पीस बना रही है। अभी ना हमने खाना फूना खा लिया, मतलब कि पिज्जा जो लेके आए थे वो हमने खा लिए, तसल्ली से फुल हो गए। अब ये दोनों अच्छा, ये भुख जड़ी ना भुख सदा पीछे रहती है। अभी मैं लेके लेने आई थी केक और ये दोनों भूखे मेरे पीछे आ गई, निकालो केक दूसरा, ये एक निकाल लिया है मरन तो ही टेंशन होनी है कि ऐसे स्ट्रीक पाई साड़ी और टूट जानी है पहले। चलो करो बिस्मिल्लाह, तेरा फीस नहीं पूरा ना बस ठीक आ, बस हूँ पता चलना चल रहा है पर हूँ ठीक आ। अरे जी मां पर
व्यूअर्स, अभी आप लोग मेरे फेस की हालत देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना, क्रीमी क्रीमी सा। आप लोग यकीन करेंगे मुझे वाकई कोई आइडिया था कि मेरी बर्थडे सेलिब्रेट होगी कि नहीं, लेकिन मुझे अचानक पता कि सरप्राइज मिला है और मुझे वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी है। मुझे कुछ ही नहीं पता कि मैं अपने यानी क्या हूँ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल एकदम मायूस होकर लेटने वाली थी, सोने वाली थी, और लेकिन अचानक से अब कुछ लोग आए थे, कितने लोग आए जिन्होंने मेरे लिए मेरी बर्थडे इतनी स्पेशल थी। थैंक यू सो मच अपी, रिमशा, अरवीज, मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और मेरी कज़न भी है, मेरी सिस्टर भी है, और चाचू, मेरे ताया, वो को जो से आप देखते हैं वो मेरे ताया, ठीक है जी। तो अब रिमशा बाजी देने लगी है लाइबा को चॉकलेट, सॉरी आंटी बन गई है। नहीं नहीं नहीं, हमारी आप ही लगती है, और ये जो बंदे ना ये उसकी स्ट्रीक बनाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए और मुझे कह रहा कि जल्दी से साइड पे हो जाओ, हमने स्ट्रीक बनानी है, और ये देखे कैमरा मेरी तरफ भी आई। हेलो व्यूअर्स, अब आपी आमना जो है वो आपी रिमशा की नकल करके कॉपी करके उनको देने लगी है चॉकलेट। विवास ये बंदी ने लाइबा की तरह ना लालच किया, इसको डिंट नजर आ गया, लाइबा की कॉपी करते हुए लगा तो लिया बेचारी ने, लेकिन ये नहीं पता लगा रहा किसी, सारे दांत दिखाई दिखाई इसके दांत भी सारे ब्रेड हो गए, बहुत तबीयत किया हो। अभी सब जाने लगे हैं और चाचू लोग अभी अंदर है, हिसाब किताब लगा रहे हैं, कोई क्या लगा रहा है ये नहीं। व्यूअर्स मैं ना अभी बना रही थी सुबह का नाश्ता, और पता नहीं मेरे ना की मेरी माड़ी है, और मैं हूँ मेरा हाथ हाथ किसी जल गया, तो निशान दिखेगा कि नहीं, लेकिन मेरे तो हाथों ने इतने निशान, मेरा चूल्हा गर्म गर्म लग गई, तो मैं चाय बनाई, तो मेरे घर वाले ना नाश्ते तो टुट पे सारे, मैं इन्होंने ये नहीं वेट किया कि लाइबा नहीं आई हैगी, तो वेट कर दिए, लेकिन नहीं कोई एहसास नहीं इन्होंने भाई। अच्छा, अभी अभी मैं चाय डाल के अंदर ले आई हूँ, और आज मम्मा ने मंगवाए थे लच्छेदार पराठे, क्योंकि मम्मा कहते मेरा दिल कर रहा है लच्छेदार पराठे खाने का, तो घर में मैंने दो दफ़ा ट्राई की, मुझे सही नहीं बने, तो अभी हम लोग लगे नाश्ता करने। ये देखिए सबने खाना शुरू कर दिया, एक मैं थी जो थम्मल से आराम से बैठी थी, अभी मैं चाय बना कर ले रही। नाश्ता हमने कर लिया है बिल्कुल, तो बर्तन वगैरह मैंने सारे सिंक में रख दिए हैं, कुछ ये सॉस पैन वगैरह हैं ये धोने, ये उठा के बाहर कचरा फेंकने, शेल्फ से भी मैंने सारा कुछ उठा लिया है, ठीक है, तो अभी धोते हैं बर्तन, फिर देखते हैं अगला काम। तो व्यूअर्स फाइनली मेरा काम सारा निपटा हुआ हो चुका है, बर्तन मैंने सारे सेट कर दिए हैं यहाँ पे टोकरी पे, और मैंने अच्छे तरीके से अपना किचन साफ़ कर दिया है, शेल्फ भी अच्छे तरीके से साफ़ किए, देखें कुछ भी नहीं है, मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किए चूल्हे वगैरह, ये बस पक्के निशान थे उतर नहीं रहे थे। व्यूअर्स अभी ये बंदा लगा हुआ है यहाँ पे मिट्टी खुदाई करनी, क्योंकि यहाँ पे बनानी है क्यारी, तो मैंने उसको बोला था यहाँ से सारी मिट्टी निकाल देना, तो अभी ये सारी मिट्टी यहाँ से निकाल रहा है, साइड सेट कर रहा है इसको, मेहनती मुंडा जो बनया हुआ। और अभी किचन साफ करने के बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछी, और यहाँ पे जो सी जूठ मेरे पास बैठी है ना बाहर काम पे करके, उसकी जूते इतनी गंदी उठा रहे, वही अंदर लेकर पकड़ो डालो निकाल को जितनी पास चाल। और यहाँ पर बैठे ये दोनों माँ और बैठी रहे हैं लहसुन 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 की पोथियाँ, तो अभी ये वेला ही था बाहर चला कमाइयाँ करके, आया ही मिट्टी पट के, अम्मा कहते पुत्र कोई नहीं आया हूँ मैं ना अभी काम करा, तो अभी बैठा ये टाइम कैसा फील हो रहा है वेला रहने से कर्ज बुढ़िया तोमर का ही नी पापा दस कोई अमल भी करनी जी। तो इसी के साथ हमने आज का व्लॉग करते हैं एंड, मुझे आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना है, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अल्लाह हाफिज़।